Hey everyone, it's Khushi. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So guys, I'm back with another video and आज की video होने वाली है specifically all the tools I use for my terracotta jewelry making. So आज की video में मैं आपको सारे tools दिखाने वाली हूँ जो मैं use करती हूँ अपनी terracotta jewelry making में and उन सब के use भी बताने वाली हूँ. So मेरे पास काफी सारे लोगों के comments आए हैं कि सारे अपने जितने भी tools हैं वो उसके लिए एक full fledged video बनाओ. So here I am with the video and if you are interested in watching this video, please watch it till the end and if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel and चलिए without wasting any moment. Let's get started with the video. So the first material and the most important material is terracotta clay and इस type की वो दिखती है clay and ये आप online भी purchase कर सकते हैं, offline भी purchase कर सकते हैं किसी भी कुम्हार की shop से and online purchase अगर करना है तो मैंने ये एक Instagram store से purchase की थी, link मैं आपको description में दे दूँगी, so you can check it out and इसको अच्छे से airtight container में या फिर ऐसे polythene में अच्छे से pack करके आप इसको रखिए ताकि ये सूखे ना. इसके बाद नेक्स्ट आइटम है कि हम इसको सरफेस को एकदम अच्छे से स्मूथ कैसे बनाते हैं. तो इसके लिए मैं ये दो चीज़ें यूज़ करती हूँ, एक तो पानी और एक ये है सरसों का तेल. आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये हम बस उसको फ्लैट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है ये सारे टूल्स मेरे पास, ये सारे मैं शेप कोई भी डिज़ाइन ऐड करने के लिए यूज़ करती हूँ. इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी है तो सारी इसमें मैंने दिखा रखी है, ये एक पूरा सेट आता है. अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका परचेजिंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जितने भी टूल्स मैं मैंशन कर रही हूँ जितने भी मिलेंगे मुझे. इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये मिनी कटर्स एंड इसमें भी काफ़ी सारी शेप्स अवेलेबल है. जब मैंने ये परचेज़ किया था तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई थी बट फिर भी मैं कैसे ना कैसे करके इसको यूज़ कर लेती हूँ एंड ये भी मैंने परचेज़ किया थे इंस्टाग्राम स्टोर से, तो आप भी परचेज कर सकते हैं एंड इसका यूज़ होता है, ये काफ़ी सारी शेप्स कट करने में हेल्प करते हैं, मोस्टली स्टड्स बनाते हैं या फिर हैंगिंग इयररिंग्स के टॉपर्स बनाते हैं एंड इसी के साथ साथ ये कटर्स भी है मेरे पास एंड इसकी क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है ये. सो इस कटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा बारीक और बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो ये ही मैं डिज़ाइंस अपनी टेराकोटा ज्वेलरीज में भी इनग्रेव करने के लिए इसका यूज़ करती हूँ. वैसे तो ये कटर्स पॉलीमर क्ले के लिए यूज़ होते हैं नॉर्मली बट मैं इसका अपनी टेराकोटा ज्वेलरीज में भी यूज़ कर लेती हूँ. इसी के साथ साथ अब हम थोड़े बड़े कटर्स की बात करते हैं. सो ये है कुछ बड़े साइज़ के कटर्स. सो बेसिकली ये है कुकी कटर्स एंड ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से मिल जाएंगे. ऑनलाइन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, वेबसाइट पे जो भी लिंक मिलेगा मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में एंड ऑफलाइन किसी भी बर्तन वाली शॉप पे आपको पता कर सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. सो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं बड़े साइज के पेंडेंट्स बनाने के लिए या फिर अगर आपको बड़े साइज़ के इयररिंग्स बनाने हैं सो उसी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एंड इनसे बहुत ही अच्छे से एकदम नीटली शेप्स कट आउट हो जाती हैं एंड ये अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग शेप्स में आपको मिल जाएंगे. मेरे पास कुछ इतनी शेप्स है अभी अवेलेबल तो मैं अभी के लिए इन्हीं का यूज करती हूँ. इसके बाद ये आ जाते हैं हम जुगाड़ वाले आइटम्स पे एंड ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती ही है एंड इसका यूज करके भी आप टेराकोटा ज्वेलरीज बना सकते हैं. सो इसमें आते हैं पेन की कैप्स एंड इस टाइप के सर्कल शेप्स काटने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है एंड ये है प्लास्टिक स्ट्रॉज, इनका भी यूज करके बहुत ही अच्छे से डिजाइन नीटली बन जाते हैं. ये है पतली वाली आइसक्रीम स्टिक्स एंड ये भी बहुत ही अच्छे से यूज होती है, किसी भी पेन का कैप और ये है एक मोनो इरेजर जो कि आप आर्टिस्ट लोग जानते ही होंगे, इससे भी बहुत ही इजीली सर्कल शेप कट आउट हो जाती है. सो इसी टाइप से आप कोई भी हाउस होल्ड आइटम जिससे आपको लगता है कि डिज़ाइन बना सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद हम यूज़ करते हैं ये कटर्स का एंड ये भी मैं डिज़ाइन बनाने में या फिर कुछ काटना होता है तो उसके लिए काफ़ी यूज़ होता है ये. सो नेक्स्ट इज दिस झुमका मेकिंग मोल्ड एंड बेसिकली ये एक डोम शेप देने के लिए एक मोल्ड है जो कि हम मोस्टली हम झुमका बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, सो अगेन चेक इट आउट. उसके बाद जब हम ज्वेलरी को असेंबल करते हैं तो ये वाली गियर वायर यूज़ होती है एंड ये मेरे पास दो कलर्स में है, गोल्डन एंड सिल्वर एंड ये ज्वेलरी को जब हम असेंबल कर रहे होते हैं या फिर बीड्स उसके अंदर डाल रहे होते हैं तब ये उसका यूज़ होता है. इसी के साथ साथ जो बीड्स बनाने में हम या फिर इयररिंग को अटैच करने में हम जो वायर यूज़ करते हैं वो होती है ये वाली नाइक्रोम वायर एंड ये आपको ईजिली ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी. सो जब भी हम किसी भी इयररिंग के पार्ट को अटैच करना होता है या फिर किसी भी बीड को अपने इयररिंग के साथ अटैच करना होता है तो हम यही वाली वायर यूज़ करते हैं एंड बीड्स बनाने के लिए भी हम इसी वायर को अच्छे से ऐसे यू शेप में बना के उसी के अंदर अटैच करना होता है हमें. सो इसी यू शेप वायर से हम जो बीड्स बनाते हैं वो कुछ इस टाइप से लगते हैं एंड ये दो टाइप के होते हैं. सो ये भी हमारे टेराकोटा ज्वेलरी मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप पहले से ही बना के रखो तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है आपके लिए. सो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट इंसर्ट करने वाले होते हैं एकदम सिंपल वाले एंड एक होते हैं यू पिन वाले, सो वो होते हैं घुंघरू बीड्स. तो ये दो टाइप के बीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले से ही आप वो बना के रखो
रखोगे तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है आपका ज्वेलरी मेकिंग में। इस टाइप से रखते हैं आपके कुछ ज्वेलरी मेकिंग में, ये है घुंघरू बीट्स एंड ये यूपिन वाले बीट्स है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ज्वेलरी मेकिंग में। इसके बाद हमें ज्वेलरी असेंबल करने के लिए इन सारे हुक्स की ज़रूरत पड़ती है एंड ये भी अलग अलग टाइप से होते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द इयररिंग। हमारे पास कलर है 3 टाइप के, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्डन। इसी के साथ साथ आपको रबर स्टॉपर भी चाहिए होते हैं, ये हैंगिंग इयररिंग्स के लिए हुक्स चाहिए होते हैं, जंप रिंग्स चाहिए होती है। इस टाइप के आपको हुक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ज्वेलरी मेकिंग में। सो इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप के मिरर्स। मिरर्स थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ बट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर्स, अगर किसी कस्टमर को चाहिए होते हैं तब मैं मिरर्स यूज़ करती हूँ एंड अदरवाइज की लिपन आर्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये वाले मिरर्स। तो इसके भी काफ़ी सारे शेप्स होते हैं, वो सारे ही मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट इज दीज प्लायर्स, ये आपको ज्वेलरी मेकिंग में या फिर ज्वेलरी एडजस्टमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो मेरे पास ये 2 टाइप के प्लायर्स है, एक तो कटिंग प्लायर्स है जिससे मैं बहुत ही ईजिली नाइक्रोम वायर्स कट कर लेती हूँ एंड दूसरे हैं एडजस्टिंग वाले। उसके बाद ये हम ज्वेलरी वाले थ्रेड यूज़ करते हैं जो कि हमारे नेक पीसेज में ही यूज़ होते हैं। सो ये है नेक पीसेज के ऊपर अरेंज करने वाली ये जो डोरी होती है, हमारे नेक पीसेज में होती ही है। सो इसके भी मेरे पास 2-3 कलर्स अवेलेबल है, सिल्वर एंड गोल्डन लाइक। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मैं कलर्स कौन से यूज़ करती हूँ। सो मैं यूज़ करती हूँ फेविक्रिल के एक्रेलिक पेंट्स एंड इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं एंड मिक्स एंड मैच करके भी आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये तो हो गए हमारे कलरफुल एंड ये हो गए हमारे ग्लिटर वाले पेंट्स। सो ये वाले पेंट्स भी फेविक्रिल ब्रांड के ही है एंड ये पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, तो इसी के साथ आपको ये लिक्विड वाला मीडियम देना ज़रूरी होता है ताकि आप इसको लिक्विड फॉर्म में टर्न कर सकें। सो बस कुछ इसी टाइप के पेंट्स मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैंने बेस कोट के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ फेविक्रिल का ही ब्लैक एक्रेलिक पेंट है एंड वाइट पेंट के लिए मैं यूज़ करती हूँ आर्टिस्टिक जेसो जो कि कैमलिन ब्रांड का है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बेस कोट के लिए। पेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये वाला ग्लॉस वार्निश यूज़ करती हूँ। ग्लॉस भी आता है वार्निश एंड मैट वाला भी आता है, आप दोनों टाइप के परचेज कर सकते हैं बट मैं ये ग्लॉस वाला यूज़ करती हूँ फॉर ज्वेलरीज। एंड जो मैंने आपको नाइक्रोम वायर दिखाई थी उसी से हम इस टाइप के बहुत सारे ऐसे यू पिंस बना के रख सकते हैं पहले ही, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है अगर आपके पास इस टाइप के हुक्स बने हुए हो। एंड ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऐसे ये सिंपल वाले एंड एक होते हैं यू पिन वाले, ये दोनों ही मैंने आपको वीडियो में दिखा दिए, तो ये भी मैं पहले से ही काट के रखती हूँ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होने के लिए एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्वेलरी मेकिंग। सो दैट इज़ ऑल द मटेरियल्स आई यूज़ एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये टूथपिक्स मैं किस में यूज़ करती होंगी। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।